में बैठ के उठा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है आप बैठ जाएं, कृपा करके बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कोई साथी खड़ा नहीं रहेगा, कृपा करके बैठ जाओ सारे। जितनी पानी दे सके जो दोनों हाथ उठा के, बिजली पानी दे न सके जो दोनों हाथ उठाकर एक मिनट सर से गुजारिश है सारे, एक मिनट सारे चुप करें कृपया करके। बिजली का वादा जिन लोगों ने किया था 24 घंटे बिजली देंगे, 4 या 5 घंटे तक बिजली नहीं है, और लोगों का पीने के पानी के लिए लोग लग रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग। आप गाँव में चले जाइए तो नल सूख चुके हैं, तो नल है भी सरकार ने, और लोग जो है उसका पूर्ति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जानवरों को बांधने के लिए। हमारी माता बहनाओं को 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है घड़े सर के ऊपर उठाकर, उनके बाल ये हैं लेकिन सरकार के बादल चुन कर। 8 साल से यूपी प्रशासन जम्मू कश्मीर में है, क्या पूरी तरह से उन्होंने लोगों को पूरी तरीके से लोग हो चुके हैं। सरकार 2014 में जब उन्होंने आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिनों की बातें की थी, और लोगों को बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए थे। हालात अच्छे होंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इतने बुरे दिन लोगों ने आज तक कभी भी नहीं देखे होंगे। और गाँव में अगर आप चले जाए, स्कूलों में मास्टर भी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर भी नहीं है, और लोगों को प्रताड़ित ऐसा कर दिया जाता है कि अपनी ज़मीनों का इस्तेमाल तक करने की लोगों को इजाज़त, अपनी ज़मीन के ऊपर घर बनाना हो तो सरकार ने कानून बना दिया है, उसके लिए लोगों को शराब दे दी। जो बड़े बड़े सरमाएदार प्रभावशाली लोग हैं उनको इजाज़त दी हुई है सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने की, जंगलात की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने की उन्हें छूट दे रखी है, लेकिन गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर वो अपनी झोपड़ी भी खरीद गाँव में अपनी ज़मीन पर अधिकारी हुई है, उसके लिए भी पाबंदियाँ सरकार ने लगाई हुई है। लोगों के अंदर एक मायूसी का माहौल है, एक गुस्सा है, एक निराशा है, और आज इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया है, और यहाँ हम डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम भी देंगे ताकि ये मसले सारे के सारे लोगों की समस्या उठाई जा सके, और गाँव के लोगों के साथ अन्य हम किसी भी कीमत अगर जल्दी नहीं होने देंगे। ये हम आज के जल्दी इन समस्या को समाधान नहीं किया गया तो क्या रणनीति आगे की नहीं जाएगी? देखिए ये मूवमेंट जो है, ये मुहिम जो है, इसको और उग्र रूप दिया जाएगा आने वाले वक्त में। प्रशासन को जवाब दिया जाएगा, जवाब दे बताया जाएगा, और सरकार को जवाब देना होगा, सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। अगर जल्दी निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद सभी दोनों हाथ उठाके जितने भी साथी पीछे खड़े हैं, जे धरना है, आप कृपा करके खड़े नहीं रहिए, अपने अपने स्थान पे जहाँ भी खड़े हैं वहाँ बैठ जाइए, कृपा करके बैठ जाइए, कृपा करके बैठ जाइए, जहाँ भी है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। बिजली पानी दे न सके जो दोनों हाथ उठाकर, बिजली पानी दे न सके जो आप यहाँ पे हमारी मर्जी लेके यहाँ पे आई है, और
की थी तो अपना प्रदर्शन इलाकों से लोग जहां पे आज अपना रोज प्रदर्शन लेके जहां पे आए हैं, हमारा यहां इस वक्त धरना है और उसके बाद मेमोरेंडम भी मैडम डीसी जी को दिया जाएगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि दो दो मिनट के लिए मैं नाम लेता रहूंगा और आप जहां पे आते जाएंगे और दो दो मिनट के लिए अपनी बात जहां पे रखेंगे, तो मैं रामपाल भगत जो है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए और इस मौका पे चंद अक्षर दो दो अक्षर ही सारे कृपा करके जहां पे रखें श्री रामपाल जी। शुक्रिया सुखदेव जी। इतने आए हुए सारे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहने सारे तो जितने पूछे, लेकिन छोटा जिहा मैसेज दा अस देवन की तरफ दा कि सारे लोकें बिजली और पानी के मुतलक एक धरना जोड़ा उधमपुर डीसी ऑफिस के बाहर देना है और इस मैसेज के उत्तर
साथियों, आज जैसे हर्ष जी ने कहा कि हमारी जमीनों का अधिकार हमसे छीना जा रहा है, गांव के लोग अक्सर छोटे छोटे झोपड़ी बनाते रहते हैं, आज उनके दुकानों को झोपड़ियों को उखाड़ा जा रहा है। अगर हमें इस समस्या का हल चाहिए, मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ से कि हर्ष जी को हमें आगे लाना होगा और इस से जम्मू कश्मीर की आवाज को बचाना होगा। जय हिंद। मेरे भाई बिशारे जी ने तफसील के साथ आपसे बात रखी। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि ये कोई धरना बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ट्रैफिक को दूसरे साइड से डाइवर्ट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हमें भी ये बिजली पानी पुलिस वालों को भी चाहिए और हमें भी चाहिए और जो इस गाड़ी में सवार है उनको भी चाहिए। कृपा करके आप यहाँ के सर्व बात कीजिए, हाथ जोड़ के आपके साथ विनती है। हम वे पूरा मन तरीके से चल रहे हैं और आपकी तरफ से दीजिए तो मैं तो करते हैं कि आप इसको पूरा मन बनाए रखेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं निवेदन करूँगा पुष्पेंद्र सिंह जी से, नौजवान है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बैठियो बंद करो सारे पूरे शिक्षा मंत्री श्री हरदेव सिंह जी ये तमाम अलग अलग इलाके में सारे सरपंच साहिबान पंच साहिबान तमाम साथी माता बहनों ने कोई लंबी चौड़ी कर ली। एम्बुलेंस की रास्ता दे दो, मेहरबानी करिए एम्बुलेंस की रास्ता दो। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं।
नहीं कर गया, क्योंकि सारे बुजुर्ग उन्हें जमीने च अपने खून के कदर सुटे दे ना, उन्हें जमीने की बचाने अष्टेव जी अस्तर कन्ने असें अपनी जान भी देना पौग, अस अष्टेव पिछ अपनी जान भी दे सकते हैं, उस जमीने से भी अपनी जान दे सकते हैं। यह भी अस प्रशासन की आखना चाहते हैं। शुक्रिया चाहूंगा। मेरी जेह साइड अगर भी सारे मेरी उनके कन्ने निवेदन है कि सारे थोड़े इधर इधर हो यान है, और कोई हल्ला गुल्ला नहीं, आराम करने बैठो और गलबात सुनो। निवेदन करगा मीनू जी की कि पंजाब और गवर्नमेंट ने अपनी गलबात रखन, सारे जोरदार तालियां कन्ने स्वागत करो। बिजली पानी दे न सके जो वे सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वे सरकार बदलनी है। वो मेरा बैग वो आधा सुना है, कौन बदल सकता सारे में जो वो इंटेंशन से जितना सारे का काला है बैग तो फिर पार्टियां ले सारी गल कोई नहीं कर रहा, वो चलिए पार्टियां बदली है, कोई नहीं चुकी सकता है। कुशल सारी गल नहीं की है, पहले पहले सारे मकान बनाना बंद किए हैं, पर इंसान की रुपया नहीं कर सकता, कोई उसे बना नहीं सकता। गलबात हूँ साड़ी प्रशासन कन्ने और सरकार कन्ने।
सड़कें गलियां मुहैया करना होगा जो इस सरकार ने वादा किया है। इससे कम में कोई समझौता नहीं हो सकता है, ये हम कहना चाहते हैं इस प्रशासन से। गांव के स्कूलों में मास्टर दीजिए, गांव के स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा करना होगा आपको। गरीब के बच्चों के साथ अस्तम खिलवाड़ नहीं होने देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ जो टीचर्स को अटैच करके कहीं डीसी दफ्तर में, कहीं एसडीएम के दफ्तर में, कहीं सीडीओ के दफ्तर में, और हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इन्होंने जो तुषारा बात किया है उसकी हम कड़ी मुसम्मत करते हैं। अस्पतालों में मास्टर दीजिए और गांव के लोगों की जमीनें हड़पना बंद कर दीजिए। यहाँ बड़े बड़े नेता जिन्हें एमएलए बनी है, जिन्हें मंत्री बनी है, उन्हें सरकारी जमीनें ऊपर कब्जे कितने दे, उन्हें जंगलात दिए जमीनों ऊपर कब्जे कितने दे। अगर आपसे नहीं समझते हैं तो मुझे बताइए, हर्षदेव को सबका इलाज करना आता है, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं। लेकिन गरीब आदमी बिडला चेक सड़क बना दी मेरे गरीब प्रयास्त है, दलित बस्ती की सड़क नहीं बनना देती इस प्रशासन ने, लेकिन एमएलए ने बंगले ग्रीन जोन च बनी है, एमएलए बंगले सरकारी जमीन ऊपर बनी है, ये प्रशासन सुते रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। ये हमारी चेतावनी है इस सरकार को भी, इस प्रशासन को भी। मैं नारा लगा पूरे जोर शोर के, जवाब देना उन्हें से अंदर जा दे, डीसी साहिबा की मेमोरेंडम देना है, और जो थोड़े मसले इनके ऊपर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए है, ये इल्तजा करने या चाय कर दे। भारत माता की हत सारे ने खड़े होने चाहिए, हत खड़े करने और नारे का जवाब पूरे जोर करने उन जड़ा है संपन्न होता है थोड़ा प्रोग्राम। मैं एक मुबारकबाद तुसें और भी देंगे, पानी की मांग ये बेशक सरकार ने नहीं सुनी, लेकिन आज दिखी लो सच्चाई कन्ने रब भी कन्ने चलता। आज इंद्र भगवान ने खुली बरखा भी बनाई, तुसें इजाजत भी दी जलूस की। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पर आवाज थोड़ी घट है, सुनचनी चाहिए गवर्नर हाउस तक, पूरा जोर लाना सारे, हाथ पूरे खड़े करिए, सारे के हाथ खड़े होने चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भारत माता की। शुक्रिया। हूं अस चलिया ना अंदर, ते गलबात जड़ी है वो सारी कर लैने, पांच सत बंदे जड़े इन साढ़े कन्ने आई आओ और अंदर चली है, ये जड़े मुतालबे ने करी भी लैने, ये बाद तुस तो मीन लिखाई भी सकते, इन्हें बाद च लिखिए भी दे देंगे कि साढ़े लोगों दिया ग्रां के लोगों दिया और के समस्या है। ठीक है, हाँ हूँ जान दो, गड्डिया जान दो, कहीं गड्डिया जान।